गूगल फेसबुक के मालिक भी झुक गए थे इस बाबा के आगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीम करोली बाबा की। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में जन्मे लक्ष्मण नारायण शर्मा, जिन्हें सब नीम करोली बाबा के नाम से जानते हैं, हनुमान जी के भक्त और एक चमत्कारी बाबा थे। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। बाबा ने गृहस्थ होकर भी अपने आप को अध्यात्म से जोड़ा। नीम करोली बाबा भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े संत के रूप में माने जाते हैं और उनके चमत्कार देखकर कई लोग उनके अनुयायी बने। इनमें जानी मानी हस्तियों के नाम भी शामिल हैं। क्रिकेटर विराट कोहली से लेकर एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग का नाम इस लिस्ट में शामिल है। मार्क जुकरबर्ग कहते हैं कि 2008 में आकर वे कैची धाम में रहे, इसके बाद उन्होंने कामयाबी की सीढ़ियों पर कदम रखा। स्टीव जॉब्स का कहना है, सन 1972 की बात है, जब वे तंगी में थे, वे भारत यात्रा के लिए बचत कर रहे थे। 1974 में अपने एक दोस्त के साथ स्टीव भारत पहुंचे। कैची धाम आश्रम में कई दिनों तक उन्होंने ध्यान किया। उन्हें कई दिव्य अनुभव हुए। भारत से अमेरिका लौटने के बाद स्टीव जॉब्स ने अपना पहला एप्पल कंप्यूटर बनाया और एप्पल कंपनी की शुरुआत की। बस फिर क्या था, उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे दौलत और शोहरत के शिखर तक पहुंचे। बाबा का आश्रम नैनीताल से 17 किलोमीटर दूर नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर भवाली में स्थित कैची मंदिर है, जो नीम करोली बाबा और हनुमान जी को समर्पित है। कैची धाम में बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहां आश्रम बनाने का विचार किया था। कैची धाम आश्रम वहां है जहां बाबा ने अपने अंतिम दशक बिताए। 1964 में यहां एक हनुमान मंदिर भी बनवाया गया। भक्तों का कहना है कि बाबा के कई चमत्कार उन्हें यहां देखने को मिले। भारत में बाबा के आश्रम कैची नैनीताल, वृंदावन, ऋषिकेश, शिमला, फरुखाबाद में खिमासेपुर के पास नीम करोली गाँव, हनुमानगढ़ी और दिल्ली में है। विदेश में भी बाबा के आश्रम है। ताउस, न्यू मैक्सिको, अमेरिका में बाबा के आश्रम है। क्या आपको ये बातें नीम करोली बाबा के बारे में पता थी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहे धर्मा लाइव के साथ।